अभी हम क्रिएट कर रहे हैं उनका मांगता हूँ, और इसके लिए मैंने बीपीएम रखा है 85। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार। सबसे पहला प्लान ये होता है कि हम रिकॉर्ड करेंगे कॉरस। चलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कोरस कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। सारे ट्रैक्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये कुछ मिलके कुछ ऐसा साउंड करते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। इन पे हम अभी इफेक्ट्स लगा लेते हैं एक एक करके, कंप्रेसर और वोकल ट्यून। उनका मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंग। अभी दूसरे ट्रैक को लेफ्ट में और तीसरे को राइट में पैन कर देते हैं, और लास्ट वाले ट्रैक का जो कि हार्मनी ट्रैक है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी देखते हैं मास्टर पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, ज्यादा हो तो उसे हम कम कर देते हैं और उसके बाद हम करते हैं इसे सेव। अभी कोरस मैंने इंपोर्ट कर लिया है, इसी पे करेंगे हम रिकॉर्ड बैकग्राउंड लाइंस। चलिए रिकॉर्ड करते हैं। अभी तीनों लाइंस मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर ली है, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाया है, मैं उतना अच्छा नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ठीक है आपको बताने के लिए। तो अभी इन पे प्रोसेसिंग कर लेते हैं, यानी कंप्रेसर और ऑटो ट्यून लगा लेते हैं। Oh
तो सारे ट्रैक्स में मैंने कंप्रेसर और ऑटो ट्यून लगा लिया है, अब एक बार सुन लेते हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं, जिधर जितना वॉल्यूम जाना चाहिए उधर हम दे देते हैं। अब जितना इस पे EQ की जरूरत है उतना कर लेते हैं। क्यूइंग कर ली है, अब देखते हैं कितना सही आता है। सब कुछ हो गया है, अब इन्हें करते हैं सेव। कोरस को यहाँ से हटा देते हैं। अभी एक और न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम कोरस और बैकग्राउंड वोकल्स। उससे पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ एक छोटा सा इंट्रो। दो बार मैंने रिकॉर्ड किया है जो मुझे लगता है परफेक्ट है, मैं उसे कट करके रख लेता हूँ। करूँ मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला में उनका मंगता। एक और ट्रैक ऐड करते हैं, ये भी होगा वॉइस के लिए। एक और ट्रैक ऐड करते हैं जो कि होगा फिल्टर। ये हो गया फिल्टर, इस पे अभी फिल्टर इफेक्ट दे देते हैं। EQ, बेस कट, ट्रिबल कट, थोड़ा सा मिड में हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे फिल्टर इफेक्ट देने के लिए। जिन लोगों को ये भी नहीं आता है कि EQ कैसे डालना है, इफेक्ट कैसे लगाना है, तो प्लीज़ एक बार इन ट्रैक की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब तीनों ही ट्रैक्स पे कंप्रेसर और वोकल ट्यून लगा लेते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता। उनका मंगता हूँ जो मंगता, नहीं होने देते। आलसी भी है मेहमान। अभी इस ट्रैक को मैं करता हूँ कॉपी और लाऊंगा फिल्टर पे पेस्ट। मुझसा आलसी भी है मेहमान, मद है अहले दुअल रजा। इसको दो बीट कर देंगे पीछे, एक दो। अभी सुने, करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला में उनका मांगता। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया। मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला में। अब यहाँ से आएगा कोरस, तो यहाँ से करेंगे इंपोर्ट कोरस UC, एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे कट, लाएंगे इसकी पोजीशन पे। मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता, नहीं होने। इसको रिपीट करवाने के लिए सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक टर्म्स भी नहीं पता है कि EQ कैसे करते हैं, इफेक्ट कैसे लगाते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, मिक्सर कहाँ से ओपन होता है, मेट्रोनोम कहाँ से कंट्रोल होता है, तो प्लीज़ एक बार इन ट्रैक की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और ये डबल हो गया। उनका मंगते उनका मंगता, और मैं चाहता हूँ अभी डिले लगा लूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे एड सेंड आप देख सकते हैं, इस पर दो बार मैं टैप करूँगा। उनका मंग, पहला सेंड ऑटोमेटिकली ऑक्स वन में जा चुका है और दूसरे को हम ऑक्स टू में डालेंगे। एड ऑक्स चैनल पर टैप करेंगे, ऑक्स टू पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मिक्सर यहाँ से ओपन करेंगे और उसके बाद ऑक्स वन को लेफ्ट में, ऑक्स टू को राइट में पेन करेंगे।
ऑक्शन पे लगाएंगे इको, उनका मंगता टेम्पो स्ट्रेट चेक, उनका मंगता हूँ जो मंगता, उनका मंगता। अगर आपने नहीं देखा है कि पिंग पोंग डिले कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो ट्यूटोरियल भी एक बार प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंगल डिले इफेक्ट हमें क्रिएट करना है, डिले इफेक्ट हमें क्रिएट करना है, आउटपुट मिक्स 200%, मिक्स 200%, ऑक्स टू, ऑक्स टू, एड एको, एड एको, टाइम स्टेबल, डेप्थफुल, डेप्थफुल, डीके ख़त्म, डीके ख़त्म। डिले को सिंगल डिले इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बढ़ाएंगे, डिले इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बढ़ाएंगे, आउटपुट 200%, आउटपुट 200%, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, -18 dB, -18 dB। ठीक है, अभी ऑक्स वन में आएंगे जिसको हमने लेफ्ट में पेन किया है, इसको हमने लेफ्ट में पेन किया है, इसके टाइमिंग हाफ कर देंगे, इसके टाइमिंग हाफ कर देंगे, इसके टाइमिंग को कर देंगे आधा, देख लीजिए टाइमिंग को कर देंगे आधा, देख 2823 है, इसको हम कर देंगे 14, कर देंगे 1412, 1412, 1412। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आपको एक चैनल पे डिले आधा सुनाई देगा, मेरी बला में उनका मंगता। अब जिस पे डिले देना है सब में 2 सेंट्स ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2, उनका मंगता। यहाँ से ये जो आइकन दिख रहा है इस पे डिले कम कर देंगे, यहाँ पे कम कर देंगे, यहाँ पे इसको -4 dB करते हैं, पड़े इस बला में मेरी बला में उनका मंगता, उनका मंगता। कोरस में डिले कम रखा जाता है क्योंकि फिर वो क्लैश करने लग जाएंगे आपस में, इसलिए उसमें बहुत स्लाइट डिले देंगे, -6 dB इसे डिक्रीज कर देंगे। सुनते हैं जो मंग, और थोड़ा -8। अभी सुने अभी ठीक है, मेरे ख्याल है। डिले हमें मेन वॉइस में भी देना है तो इसमें भी 2 सेंट्स ऐड करेंगे, 1 2 1 2। सुनते हैं, पड़े इस बला में मेरी बला में उनका मंगता, उनका मंगता। जो मंगता नहीं होने देते उनका मंग। अब इंपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड लाइंस को, इंपोर्ट UN, इसको इसकी पोजीशन पे लाएंगे यहाँ से, और लूप कर देंगे यहाँ से, और इसे कर देंगे लूप। जो मंगता नहीं होने देते उनका, नहीं होने देते। एक पॉइंट पे इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंप्रेसर। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे, हूँ जो मंगता नहीं होने देते, हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता। अब रिकॉर्ड करते हैं आगे की लाइंस। उनका मंगता देते
ये हवाले मुझे, इसको भी लाएंगे इसकी पोजीशन पे। उनका मंगता हूँ जो मंगता दे ये हवाले। बैकग्राउंड लाइंस को पूरे प्रोजेक्ट में आपको करना है लूप। कर देते हैं यार। जो मंगता कहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। अगेन लगाएंगे कॉरस, कॉपी पेस्ट। और अशार चाहे यहाँ से रिकॉर्ड कर लें आप। एक और लाइन रिकॉर्ड कर ली है, सुन लेते हैं। है ये ईमान के आए गेला हद में मेरी, है ये ईमान के आए गेला हद में गए कब्र में भी छुड़वाने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। लाहद में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एक साइड वोकल चलती रहे कोरस के साइड में। आका मेरे आका, ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। आका मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका का, मेरे आका रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एज एन आउटरो इसको यूज़ करूँगा। स्प्लिट और कॉपी, फिल्टर पे رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ। یہ ایکسٹرا لائنز ہیں، ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ ابھی باری ہے ذکر کی، تو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، ایک اور ٹریک ایڈ کرتے ہیں۔ ऐप ज़्यादा ओवरलोड हो गई है, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा सा डिले आ रहा है। इसकी वजह से मैं बेस्ट पार्ट यहाँ से फाइंड करता हूँ और उसे रख लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव, इसको रखते हैं स्टार्टिंग में। कट पेस्ट।
मैं चाहता हूँ एक और लेयर रिकॉर्ड करूँ। इतने सारे टेक्स मैंने ले लिए हैं, देखते हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है। मुझे ये पार्ट सही लगा, मैं इसे स्प्लिट करके रख लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं डिलीट। स्टार्टिंग में लाते हैं काका बे काका, इसको करते हैं डिलीट। मेजर को बीट पे चेंज करके इसको एक बीट पे लाते हैं और इसको करेंगे लूप। पूरे प्रोजेक्ट में लूप होता है, एक बार दोनों को एक साथ सुनते हैं। पड़े इस बला में मेरी बला में उनका मंगता उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा।